मौसमी सरमा की छुट्टियों का फैसला ना हो सका। बैन सूबाई वज़ीरे तालीम कॉन्फ्रेंस बगैर नतीजा खत्म। तमाम सूबों से सिफारिशात ले ली गई। हतमी फैसला कल NCOC इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ चाय महंगी है, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं पूरे खत्ते में पाकिस्तान सबसे ज्यादा सस्ता मुल्क है। सिंध में दूध गंदम चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं, सिंध हुकूमत नाराज होने के बजाय कीमतें कंट्रोल करे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75 हो गई। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई से निपटना और पायदार नमों को यकीनी बनाना है। आलमी कीमतें और मुल्की माशी नमों की वजह से महंगाई और तजारती खसारे में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डिबो चुकी, अवाम से इंतकाम ले रही है। शहबाज शरीफ की तरकीब, कहा पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। 20,000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया। शहबाज गिल बोले 30 साल मुल्क को लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। छोटे मियां करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 10 पैसे कमी तजवीज की गई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $74 पी बैरल कम हो गई है। सिंध हुकूमत के गैर आइनी इकदाम, अपोजिशन का सड़कों पर आने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने सदर और वजीर आजम को खत लिख दिया। MQM का वजीर अला सिंध से माफी मांगने का मुतालबा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि काले कानून वो बनाते हैं जिनके करतूत काले हों। सिंधियों को मुतबादल क्यादत का सोचना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। पाकिस्तान ना खप्पे को अमली जामा पहना रही है। ये लोग सिंधियों के नुमाइंदे नहीं, कातिल हैं। हाफिज नईम उर्रहमान का कराची बचाओ मार्च का ऐलान। मुल्क में हर तरफ इलीट का कब्जा है। इलीट शख्सियात का नहीं, पूरे तबके का नाम है। लोग अपना पैसा बैरून मुल्क ले जाकर छुपा देते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस में रिमार्क, कहा 12 साल जो लोग कुछ और काम करते रहे एहलियत जाने बगैर मुस्तकिल किया। अदालत सियासी नहीं कानूनी पहलू पर बात करेगी। 7,000 रुपये बताकर 2,000 क्यों दिए। खानेवाल में पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाहर खवातीन आपस में लड़ पड़ी। नून लीग के अताउल्ला ताड़र कहते हैं कि पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। और हैदराबाद में तालीमी बोर्ड ने हजारों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। हुकूमत प्रमोशन पॉलिसी के बावजूद 7,000 तलबा को फेल कर दिया। बच्चे तालीमी बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर। नाजिम इम्तिहानात ने बोर्ड की गलती को कॉलेजेस पर डाल दिया। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज़िया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।